हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर वन नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस ऑफ स्टूडेंट। हाउस यानी स्कूल और स्टूडेंट के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक बोथ वे, यानी रोजाना वो स्कूल जाता भी है और वापस आता भी है, यानी आना और जाना दोनों कर रहा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे, तो बताओ उसके द्वारा 6 दिन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये हमारा सवाल है। तो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना, 1 किलोमीटर 875 मीटर दे रखा हमें क्वेश्चन में, ठीक है। और वो क्या करती है, दोनों आती है और जाती है, दोनों तरीके के रास्ते तय करती है। शी वॉक बोथ वेज, तो देखो जब वो गई तो जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर 875 मीटर, और जब वो वापस आई, ठीक है, फिर रिटर्न लिख लो, जब वो वापस लौटी तो उसने भी उतनी डिस्टेंस कवर किया, 875 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कर दिया, टोटल कवर्ड डिस्टेंस इन अ डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5, 10, 1 कैरी, 14, 15, 1 से 1, 16, 1, 17, 1 कैरी, 1+1, 2, 3, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर किया जाता है एक दिन में। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे, एक दिन का हमें दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, पता लग जाएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, यहाँ करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0, 6, 5, 30, 3 कैरी, 7, 6, 42, 3 ऐड करेंगे 45, 4 कैरी, 6, 18, 18 और 4, 22, किलोमीटर है किलोमीटर लगाओ, पीछे मीटर है मीटर लगाओ, तो कुल मिला के 22 किलोमीटर 500 मीटर ये डिस्टेंस उसने कवर किया, क्लियर। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें बोला गया है कि वेसल हैज़ अ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, हाउ मेनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं यदि एक गिलास की कैपेसिटी कितनी हो, 25 ml हो, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, इसके जैसे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड, हमारे पास कितना दही है, 4 लीटर 500 ml, ये हमें दे रखा है, ये लीटर में और ये मिलीलीटर में। देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, ठीक, तो 4 लीटर बराबर किसके हो, 1 लीटर में 1000 है तो 4 लीटर में 4 गुणा में 1000 होगा, प्लस 500 कितना हुआ, 4000 + 500 यानी कुल मिला के 4500 ml, इतना हमारे पास दही अवेलेबल है। फिर हमें दे रखा है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml है, तो बताने कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक, जो हमारे पास टोटल दही है इसको हम डिवाइड कर देंगे जितना एक गिलास में दही आता उससे, ठीक, टोटल में डिवाइड कर देंगे एक गिलास में आने वाले दही का, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है तो 5 का डिवाइड कर दो, 5, 9, 45, 2, 0, 2, 0 लगा दिया, 5, 5, 25, अब 900 है, इसमें तो हम इजीली 5 का डिवाइड कर ही सकते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ, 5 एकम 5, 4 बज के उतारा 0, 5, 8 जा 40, 0 बज गया 0, यहाँ चला जाएगा, तो कुल मिला के 180 गिलास भरे जा सकते हैं, ठीक है, 25 ml वाले। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।